पायलट का बयान, सरकार ने लोगों की सभी मांगे मान ली है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पायलट ने ये बात कही है। मेडिकल बोर्ड कर रहा है शव का परीक्षण पोस्टमार्टम से पहले। सीआईडी ने परिजनों के लिए बयान लिए हैं दरअसल, और इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी ड्राइवर की मौत के बाद जो बवाल काटा जा रहा था उस पर डिप्टी सीएम ने खुद पूरे मामले पर संज्ञान लिया और हर संभव पूरे मामले पर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस वक्त पूरे मामले पर बड़ी खबर मिल रही है, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल बोर्ड कर रहा है शव का परीक्षण पोस्टमार्टम से पहले। सीआईडी ने परिजनों के बयान लिए हैं ताकि पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से आगे जांच पड़ताल की जाए। लोग धरने पर बैठ गए थे पूरे मामले पर न्याय की मांग को लेकर। पुरुषोत्तम इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। पुरुषोत्तम, क्या कुछ जानकारी है? मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा था, जिसके बाद खुद डिप्टी सीएम को पूरे मामले पर बयान जारी करना पड़ा। जी देखिए, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि गजब की हाई लेवल की बैठक हुई, क्योंकि कल शाम को पूरी तरह से समझौता हो चुका था, लेकिन आज सुबह फिर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने लापरवाही बरती, फिर मामला हाई लेवल तक पहुंचा और फिर डिप्टी सीएम को खुद को आना पड़ा। और उसके बाद जब यहाँ पर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हुई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर पोस्टमार्टम रूम में जिला कलेक्टर खुद घुस गए और डॉक्टरों के साथ उस शव के साथ छेड़छाड़ करने लगे। तब वहाँ विधायक हरीश मीणा पहुंचे और उन्होंने खुद कलेक्टर रामचंद्र डेनवाल को हाथ पकड़ के बाहर निकाला, और उसके बाद उस वहाँ उप मुख्यमंत्री से शिकायत की। तब वो उप मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर दोनों को फटकार लगा के वहाँ पर सभा स्थल का जो मंच था उस पर बैठने के लिए कह दिया, और यहाँ तक कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक आप मंच से नहीं उठोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने जो मृतक परिवार है उसके साथ संवेदना जताई, और जो जिस तरह से देरी हुई आज पोस्टमार्टम होने के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा है, उस सबके लिए परिवार के साथ धरना स्थल पर जुटे लोगों से माफी मांगी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने खुद ये कहा कि किसी भी तरह से परिवार को कोई समस्या होती है, कोई डिमांड्स होती है, किसी भी तरह से जो दो नाबालिग बच्चों हैं उनकी शिक्षा और पढ़ाई के अंदर कोई समस्या होती है तो उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे, उनकी हर संभव मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन जो लोग धरने पर बैठे थे या जो लोग पूरे मामले पर मांग कर रहे थे, जो नेता थे, क्या वो लोग संतुष्ट हैं? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से हाई प्रोफाइल जो समझौता हुआ उसके बाद आज सुबह, आज जब अभी सचिन पायलट पहुंचे, उन्होंने जब पूरी मांगे मानने का आश्वासन दिया और उन पर लिखित जो समझौते उस पर अमल कर, जाकर मामला शांत हुआ। वाकई में पुरुषोत्तम, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ा मामला बनता जा रहा था और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन खुद डिप्टी सीएम ने पूरे मामले पर परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए साथ ही कहा कि जो लोग दोषी हैं पूरे मामले पर जांच पड़ताल करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी।